हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। सो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर आता है, तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं मॉर्निंग के 5 बजे के में कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोटेशन की बात कर लेते हैं कि आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सूर्योदय आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य के निकलने से पहले आपको उठ के जाना पड़ेगा सूर्योदय, जहाँ देख देख जहाँ से आप सूर्योदय को देख सकते हैं। उसी तरह अवसर भी है, अगर आप अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद को उस तरह संयम बनाना पड़ेगा ना, जहाँ अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के खुद आए। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहोगे, कोई मेहनत करोगे नहीं जिंदगी में और एकाएक अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आ जाए, ऐसे होती नहीं है। इसीलिए अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि अगर कोई भी इसके लिए देर करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल भी रहा है और आप सोचोगे अरे छोड़ो ना बाद में दूसरा देख लिया जाएगा, तो उस समय क्या होगा, उससे भी ये आपका नुकसान होगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे और हो सकता है वैसे अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले। ठीक है, तो अपने दिन को पॉजिटिव बनाइए और सूर्योदय के साथ साथ अपने अवसर को भी जांचिए, परखिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि सक्षम, एक नाम आप रिसेंटली न्यूज में सुन रहे होंगे, ये क्या है, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना है कि किस आर्म फोर्स से रिलेटेड है। क्या ये इंडियन नेवी से रिलेटेड है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है या इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है? तो इसका उत्तर है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का अभी जो 5th कोस्ट गार्ड शिप लॉन्च किया गया, जो किस सीरीज को बिलोंग करता है, 105M क्लास सीरीज को, जो क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ICGS, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम, जो किस सीरीज को बिलोंग करता है, जैसा कि मैंने बता दिया है 105M क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल को। यह 5th और आखिरी ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया गया है। इसके आगे कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं किया जाएगा। इसको डेवलप किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो डिजाइन करती है कोस्ट गार्ड को लेकर। और इसका एक इसको जो बनाया गया है, ये टोटली इंडिजिनियस है। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी। इसमें जो भी तरह का इक्विपमेंट तथा कुछ भी लगा है, जैसे स्टेयरिंग गियर हो गया या गियर बॉक्स हो गया, ये सारा चीज भारत में है। पहले इसे इम्पोर्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे इम्पोर्ट ना करके इस भारत के ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको लिया गया है और बनाया गया है। तो ये हमारे लिए एक तरह का जो सेल्फ रिलायंस है, यानी हम लोग जो 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हैं, जहाँ हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, वहाँ पे एक कदम और हम लोग बढ़ चुके हैं। तो आपका देखिए इंडिया टुडे के अंदर में ये न्यूज़ आया था 22 तारीख के अंदर में, तो मैंने कवर कर दिया, सॉरी 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है 18 तारीख का। तो मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ पेपर में अचानक से मैंने ये देखा कि कवर कर रहे हैं ये लोग, तो मैंने आपको कवर कर दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि एन बीरेंद्र सिंह अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर वापस से बन गए हैं? तो इसका आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर अभी नए बन गए हैं वापस से एन बीरेंद्र सिंह, पहले भी यही थे, अब दोबारा वो बन गए। तो इनका क्या है, कंसेक्यूटिव दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो गया है। इन्होंने ओथ लिया है मणिपुर में, जो किसके द्वारा दिलाया गया है, गवर्नर एल गणेशान के द्वारा। और इन्होंने जब वहाँ की ये हुई थी इलेक्शन हुई थी, तो 60 सीटों में इन्होंने 62 सीटों से मेजोरिटी हासिल की, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जीत हासिल करके वापस से क्या बन गया, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। तो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में आया हुआ था 22 तारीख के अंदर में कि बीरेंद्र सिंह टेक्स द ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर अगेन। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड पोएट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो इसका आंसर है मार्च 21 के अंदर में हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पोएट्री डे। इसको पहली बार कब शुरू किया गया था, इसको पहली बार शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
जब ये 30th जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा था पेरिस के अंदर में यूनेस्को का, तब इसे 1999 के अंदर में इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम सपोर्ट कर सकें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफिकेशन थ्रू अ पोएटिक एक्सप्रेशन एंड इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडेंजर्ड लैंग्वेज टू बीन हियर। यानी जो भी तरह के लैंग्वेज में, यानी कविता अगर जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, हिंदी में लिखी जाती है, इंग्लिश में लिखी जाती है, कहीं पे इंग्लिश में लिखी जाती है, वैसे करके सबके अपने अपने लोकल भाषा में बहुत लोग कविताएं लिखते हैं। कविता कोई भी भाषा में हो सकती है, तो उस भाषा को डाइवर्सिफाई करना, उस भाषा का यानी कल्चर का एक्सप्रेशन शो करना, एक पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यतीत कर सकते हो। इसी तरह जो भी इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, यानी जो लैंग्वेज यानी जो भाषा खत्म हो रही है, उन भाषा को लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है सामने निकल के, कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं या उत्पीड़न है उसको क्या कर सके, एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम किस स्कीम जो है वो किस कैटेगरी के अंदर में आता है? क्या यह कोर स्कीम है, क्या यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या कोर ऑफ द कोर स्कीम है? तो इसका आंसर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, जिसमें फंडिंग जो होगी ना वो फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, यानी केंद्र सरकार करेगी। तो इस प्रोग्राम को वापस से जो चल रहा था, कौन सा, नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, उसको वापस से फिफ्थ फेज उसका लागू कर दिया गया है, यानी दोबारा से वो चलेगा। अब कब तक से कब तक चल रहा है ये, फिर से 1 अप्रैल से चलेगा 31 मार्च 2026 तक, यानी 1 अप्रैल 2022 से ये शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक, यानी करीबन 5 साल के लिए से फिर से लागू कर दिया गया है। और इस बार का जो बजट आउटलेट इसमें रखा गया है, वो रखा गया है 15,471.94 करोड़ का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इसे कब शुरू किया था, 1992 के अंदर में। तो ये हम लोग मेन क्यों इसको बनाते हैं, सॉरी इसे क्यों इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, क्योंकि जो एड्स के अंदर में या एसटीडी के अंदर में जो भी भयानक बीमारी फैली रहती है उनको कंट्रोल में रखा जा सके। तो आपका द हिंदू के अंदर में आया हुआ था, मैं इसलिए पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कहीं से भी हवाबाजी वाली बातें कर दी और चल दिया। इसीलिए चैनल को जरूर शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए। मैं डेली मेहनत करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं देखता कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं या मैं कहीं पर बिजी हूँ या मेरी तबीयत खराब है। मैं आपको हमेशा क्लास लेता हूँ देखूंगा, मैंने कभी कोई बहाना नहीं मारा कि मैं क्लास नहीं लूंगा। जो बच्चे छुट्टी चाहते हैं किसी फेस्टिवल में, उनको छुट्टी दे देता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहे तो मैं उन्हें ये नहीं बोलता कि आप मत आओ, आपको आना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपका फेस्टिवल है, अगर आपको एंजॉय करना है फैमिली के साथ आप कीजिए, क्लासेस अपलोड रहेंगी, आप आगे देख लीजिएगा। लेकिन मैं बहुत ही कम चांसेस होता है जब मैं क्लासेस नहीं लेता, लेकिन क्लासेस मेरी रेगुलर आती है, तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिए। तो पांचवा और आखिरी क्वेश्चन आज का क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज एसटीजी पीडी के इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लीजिएगा एसटीजी क्या है। ये इंश्योर, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर करता है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन को, जो 2030 तक सबको मानना है। तो ये है गोल नंबर 6 करता है। तो वर्ल्ड वाटर डे, यानी जो 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, उसमें अवेयरनेस जनरेट कर रहा है क्या, कि इन महत्व क्या है, पानी का महत्व क्या है, ठीक है, पानी का महत्व क्या है, उसको कंजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। इस दिन को मनाने का यह उद्देश्य है ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है उसको हम अचीव कर सकें। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है, वो कहता है इंश्योर करना सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। इस बार का जो वर्ल्ड वाटर डे पर थीम था, पीटी वाले ध्यान से सुने, वर्ल्ड वाटर डे का इस बार थीम क्या था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या है, जो आपका ग्राउंड वाटर है उसमें कमी आ रही है। आप कहोगे कि पानी तो बहुत है, पानी तो सच में बहुत है दुनिया में, लेकिन पीने का पानी कितना है, प्रश्न ये है ना। पानी तो बहुत है, पानी तो समुद्र का पानी बहुत सारा, आप बोलोगे इतना पानी है कभी खत्म नहीं होगा, पानी तो सच में बहुत ज्यादा, लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन पानी होता है। आप क्या नमकीन पानी पी लोगे प्यास लगे, आप पानी डालो नमक डाल के कोई पानी पी के देखना कैसा लगता है। आप सोचो वैसा पानी आपको पीना पड़ा कि आप जीवित रह पाओगे, कभी नहीं रह पाओगे। आपको हमेशा एक प्योरिफाइड साफ वाटर चाहिए पीने के लिए। जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है ना वो भी धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो कम होते जा रहा है।
अगर पानी को कंजर्वेशन करने के लिए अभी से कोई प्रोग्राम या एजेंडा नहीं चला जाएगा तो क्या लोग पानी की महत्व को समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसी उद्देश्य से हम वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। मैंने इसमें दो चीज बता दी है क्यों मनाते हैं। मैंने ये बना दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए, मैंने ये बता दिया कि इस बार का थीम क्या रखा गया है। ठीक है, तो लगभग मैंने सब कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट पोस्ट के ऊपर में एक ये न्यूज़ आया था 22 तारीख के अंदर में, तो मैंने इसे कवर कर दिया। तो मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर आता है, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो एग्जाम को इजिली अचीव कर पाए। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन सीरीज और योजना सीरीज चल के खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं कोई नई स्कीम से आएगी या कोई नया इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी आप 5 तारीख तक का वेट करें, 5 तारीख से पहले स्पेशल क्लास कोई नहीं आएगी, करंट अफेयर आपका चलता रहेगा। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इंग्लिश में डालता हूँ, हिंदी में भी डालता हूँ, द हिंदू से क्वेश्चन डालता हूँ, द हिंदू में क्वेश्चन नहीं बनता है तो दूसरे न्यूज़पेपर से लाता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कोड नहीं लगाना पड़ेगा, आपको करना होगा बस चैनल को सब्सक्राइब, बाकी आपको अपने आप सब नोटिफिकेशन मिलते चला जाएगा। तब तक के लिए मुझे दे आ गया, अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।